देखिए और फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट अपने लाइफ में, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। औरत मर्द वाइफ एंड हस्बैंड में जो प्यार होता है वो बहुत गहरा प्यार होता है, पति पत्नी का जो मोहब्बत की जो मोहब्बत होती है बहुत गहरा मोहब्बत होता है, छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं उससे प्यार बढ़ता है हर एक की लाइफ में, ये बहुत जरूरी फाउंडेशन है। वाइफ एंड हस्बैंड का जो मोहब्बत है, उनकी जो मोहब्बत है, ये फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है। जितना फाउंडेशन मजबूत हो उतनी जिंदगी अच्छी होती है। तो वाइफ हस्बैंड से बहुत प्यार करती है, हस्बैंड वाइफ से प्यार करता है, इसके बावजूद भी प्रॉब्लम है। बूढ़े होने पर हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, झगड़ा होता है फिर भी दोनों में प्यार बहुत होता है, प्रीति बाढ़ प्रीति है। एग्जाम्पल, एक बार एक हस्बैंड वाइफ दोनों जा रहे थे, कुत्ता कुत्ता काटने के लिए आ गया, हस्बैंड ने औरत को उठा लिया, औरत को उठा लिया, बोले कुत्ता अगर काटेगा तो मुझे काट ले, मगर मेरी वाइफ को काटना नहीं चाहिए, मेरी वाइफ को काटना नहीं चाहिए, उसने उठा के बेचारा वाइफ को पूरा उठा लिया, कुत्ता भी देखा और चला गया, कुत्ता भी भाग गया। अब ये हस्बैंड बहुत खुश हुआ कि मैं और तुम्हें उतारूंगा और तेरे को गले लगाएगी, लेकिन इतना प्यार करता है और उसने उतारा, औरत ने एक लाफा देखा, क्यों मारा आराम को, कुत्ते को मारने के लिए लोग डंडे उठाते हैं, तो ये छोटे सा चीज मुझे याद आ गया। बट मुझे उम्मीद है कि गरा के अंदर ऐसी कुछ बात आएगी, स्टोरी होगी जिसके अंदर मैसेज भी होगा, फैमिली बात भी होगी, कोई ऐसी फिल्म नहीं जिसमें फैमिली चीज ना हो। तो सर मैं यही चाहूंगा कि हमारे जितने कर्नाटक के फैमिलीज हैं, सॉल्जेंस आर वेरी इमोशनल्स, अच्छे लोग हैं और अच्छी चीज़ें पसंद करते हैं, और कर्नाटक की बहुत सी फिल्में मैं देखता हूँ, आजकल बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बन रही, और ये फिल्म भी अच्छी बनेगी और आप लोग इसको एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर, वंस अगेन थैंक यू। एक बच्चा होता है दो ढाई साल का बच्चा, दो ढाई साल का जो बच्चा होता है बड़ा इनोसेंट होता है, उसको कुछ पता नहीं होता है अपनी जिंदगी में, तीन होता राजा दो ढाई साल का बच्चा, और माँ उसको खाना खिलाती है तो बच्चा एक जगह कुत्ता ही, बच्चा जो है एक जगह कुत्ता नहीं, वो कितने वो जितना देर जाएगा तो माँ जाती है उसको खाना खिलाती, उसको क्या क्या स्टोरी बोल कर खिलाने सुना, बच्चा खाता नहीं, बेटा पा बेटा कहाँ जाएगा, नहीं वो कपड़े में मिल जा, उस कपड़े में मिल जाए, बताओ तेरा मामा मामा रात भर थक गया हो, शरीर लोनी के शरीर लोनी फिल्म देख के थक गया हो, तो कहाँ जा रहा है, बाहर जाएगा पहले खा, ये तो अच्छा सलमान खान के हाथ भी नहीं आए, तेरे हाथ में आएगी, अरे किधर बेटा खा थोड़ा देखा प्लीज, अरे एक किलोमीटर चला के लेके आया बेटा, खाना बहुत मारूंगी बप्पा कुछ खाना इधर 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 मारूंगी खाना खा खाना खा
क्या क्या हुआ? अरे क्या खाना खिलाया तुम माँ जी? हम लोग यहाँ फास्टिंग में बैठे हैं, भूख हड़ताल, तुमने खाना खिला दिया? मैंने नहीं खिलाया, मेरे बच्चा उधर खड़ा था उसको खिलाया, इसका मुंह बीच में आ गया, मैं इसको नहीं खिलाई। क्या आपने खाना खिला दिया? हम लोग पूरा फास्टिंग खराब कर दिया पूरा। ये हम लोग क्या प्रॉब्लम क्या है? हम लोग पूरा बॉम्बे में एक अलग सिटी बना रहे हैं, अलग गोरेगांव कांदीवली बोरीवली जो है ना, इसका डिफरेंट सिटी हम लोग बना रहे हैं। इसके लिए हम लोग गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे हैं, अलग सिटी बना रहे। पहले मानो तो जहर खिला तुम लोग पॉइजन। अरे क्या लगा तुम लोग देश को अंडा सब जाए क्या? ये इधर है, मेरा इधर है, मेरा उधर है। मैं देश को अंडा बनाया, आमलेट बनाया, अभी क्या भोजी बनाने क्या? सत्यानाश चल पड़े चल, हमें इस तरह चलता रहता है। एनीवे ये सारी कॉमेडी होती है, बच्चा माँ को, माँ जो है बच्चों को ये स्टोरी सुना के हाँ दिलाता। एनीवे ये होता रहता है, बच्चा बड़ा आदमी बन जाता है, माँ बूढ़ी हो जाती है, बेटा इतना बड़ा आदमी बनता है, कभी कभी से सेक्रेटरी है, फलाना फलाना इतना बड़ा आदमी है, और माँ बीमार होती है, बीमार माँ को देखने के लिए बड़ा आदमी जो बेटा बड़ा हो गया है वो देखने आता है। बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, छे आया पूछा डॉक्टर से कि औषधियाँ कैसी है सर? हम लोग बहुत रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, दो दिन से खाना नहीं खा रही है, आप तो बोलिए खाना खाने के लिए, क्योंकि मेडिसिन जरा स्ट्रांग है, पेट में जाने के लिए कुछ खाना चाहिए, तो प्लीज आप रिक्वेस्ट कीजिए आपकी माँ से कि वो खाना खाएं। तो बेटा अपनी माँ के लिए खाना क्यों नहीं खा रही हो? हाँ हेलो, कितने बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ये नर्स आपके रखे हुए, खाना क्यों नहीं खा रही है? खाना खाइए प्लीज, खाना क्यों नहीं खा रही है? खाना 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 खाइए आप। I don't understand what this is. डॉक्टर साहब यही प्रॉब्लम है, आई कांट अंडरस्टैंड, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा क्या बात कर रही है। ओ आंटी वो मौसी इधर आओ, क्या बोल रही है बताओ? ये मौसी मेरे को बचपन से जानती है ना आंटी, क्या जरा बताओ क्या बोल रही है? ये माँ क्या बोल रही है? नहीं समझ में आ रहा है। ये बोल रही है कि तू खाना पीना कुछ नहीं चाहिए, तू बैठ इसके सामने और अपने हाथ से ऐसा खाना ले, ऐसा कर, अभी बैठ जाए। इसको इसको कुछ नहीं चाहिए, तेरा प्यार चाहिए। किसी बड़े ने कहा है, अगर अपने माँ बाप की सेवा करनी हो तो उसके पास एक 5 मिनट बैठो और उनकी बातें सुनो, इससे बड़ी सेवा नहीं है।